परिवार के सभी भाई बहनों को, पूरे परिवार को, सभी देशवासियों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं, शुभेच्छा, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, वैसे तो हर दिन कोई ना कोई छोटे मोटे उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई ना कोई जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, मगर आज कुछ कमेंट पढ़कर एक सिंपल और सरल उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उपाय आसान है, सरल है, फिर भी इतना ही असरदार है। वैसे तो हमारे यहाँ, हमारे देश में, भारत में सदियों से लोग टोटके करते आए हैं। ये सभी टोटके ऐसे हैं कि आपको कोई किताब में, कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। सदियों से करते आए हैं और आज भी ये टोटके करते हैं। जैसे बच्चे को नज़र लगती है तो राई और मिर्च उतार कर जलाते हैं, फिटकरी उतार कर पानी में बहाते हैं, नाली में बहा देते हैं। ये सभी टोटके आज भी होते हैं। तो ये सभी टोटके कोई किताब में आपको नहीं मिलेंगे। आज ऐसा ही टोटका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। घर में कोई भी प्रकार का दोष है, चाहे वास्तु दोष है, बुरी नज़र है, कोई अशुभ प्रभाव है, बुरी नज़र का शिकार हो गए हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी सभी रिपोर्ट करवाते हैं, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, आज ऐसा ही सरल उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उपाय आप करके देखें, ये उपाय आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी धर्म से है, कोई भी कंट्री से है, आप ये उपाय कर सकेंगे। क्योंकि उपाय इतना आसान है, सरल है और कोई भी अवस्था में आप उपाय कर सकेंगे। उपाय रविवार के दिन करना है, रविवार से रविवार तक आप उपाय करते रहे। घर के अंदर जो भी दोष है, वो दोष की वजह से कोई ना कोई परेशानियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, बीमारियाँ आती ही रहती है परिवार में। प्रयोग करके देखें दोस्तों, फायदा अवश्य होगा। श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, भरोसा रखे। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। कमेंट में कोई व्हाट्सएप नंबर देता है तो वो नंबर मेरा नहीं है, कभी मैं कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करता हूँ। वो नंबर पर आप कांटेक्ट ना करें। यहाँ से वीडियो में बोलकर जो नंबर देता हूँ वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक से सुने, नोट कर ले। जो भी समस्या है आपकी, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। छोटी फी पे करनी पड़ेगी, पहले निःशुल्क कर रहा था, अब निःशुल्क नहीं करता हूँ। फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज और एनी टाइम कॉल ना करें। फालतू के मैसेज से बचने के लिए ही मैंने ये छोटी फी रखी है, और मेरे पुराने वीडियो में भी बताया था और ये भी वीडियो में आज दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूँ। आप जो फीस पे करते हैं मुझे, वो फीस मैं नहीं रखता हूँ, वो पैसे मैं डोनेट कर देता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ। और पुराने वीडियो में मैंने प्रूफ भी दिखाया है आपको कि कहाँ और कैसे पैसे डोनेट करता हूँ मैं।
नंबर नोट कर लो 8732985130। दोबारा बोलता हूँ 8732985130। इस नंबर पर आप मैसेज करके रख दें, मेरे साथ बात करनी है मैसेज करके रखें, मैं आपको समय दूंगा, वो समय पे आपके साथ बात अवश्य करूंगा। बात करना निःशुल्क है, मगर फालतू के कॉल ना करें। ये प्रयोग आप रविवार के दिन करेंगे। दोस्तों, लाल सूखे मिर्च हमारे सभी के रसोई घर में होते हैं, लाल सूखे मिर्च। अब ये सभी बातें नहीं समझाऊंगा आपको कि ये लाल सूखे मिर्च कौन से ग्रह से संबंध है और कैसे काम करता है, सीधा उपाय मैं आपको देता हूँ। यह लाल सूखे मिर्च, ऐसे आपको 8 मिर्च लेने हैं रविवार के दिन। 8 मिर्च आपको रविवार के दिन, तो शनिवार के दिन ले आए, रसोई घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़े मिर्च ले आए, कोई ज़्यादा खर्च वाला प्रयोग नहीं है। इस मिर्च को, 8 मिर्च को आप बांध दें धागे से, कोई भी कच्चे पके कोई भी धागे से आप बांध देंगे। ये धागे से मैंने बांध दिया है, मेरे पास कच्चा धागा पड़ा था, बांध देना है। अब घर के अंदर साउथ वाली दिशा में रविवार के दिन ये मिर्च को आप लटका दें, कोई भी जगह पे, साउथ वाली दीवार पर, दक्षिण वाली दीवार पर लाल मिर्च रविवार के दिन लटका दें। अगला रविवार आए तब वो मिर्च उतार ले, कोई बड़े पेड़ के नीचे जाके रख दे, खोले मत, वैसे ही बांधे हुए सीधा कोई भी बड़े पेड़ के नीचे या तो गार्डन में जाके रख दे, डस्टबिन में ना डाले। दूसरा ही ऐसे 8 मिर्च बांध कर वैसे ही आप लटका देंगे। उपाय दूसरा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर को कोई बीमारी नजर नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रात को नींद ठीक से नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, पूरी रात सोते रहते हैं, एक लाल मिर्च लेना है, एक कांच का ग्लास ले, पानी से भरे, चाय का कप भी चलेगा, कोई लोहे का, स्टील का या कोई धातु का बर्तन ना ले, कांच का ले या तो मिट्टी का ले, वो हम चाय पीते हैं वो कप भी चलेगा और कांच का ग्लास भी चलेगा, बाउल भी चलेगा, कटोरी भी चलेगी। पानी के अंदर एक मिर्च को डाल दे, पूरी रात आपके सिर के पास ऊपर राइट लेफ्ट कोई भी साइड में रख दे, सुबह में उठने के बाद मिर्च और पानी को घर से बाहर फेंक दे। ये प्रयोग आप लगातार करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, कोई दिन छूट जाता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं बाहर गए हैं छूट गया प्रयोग, कोई दिन भूल गए छूट गया प्रयोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये मामूली से लगने वाले प्रयोग से आपको लाभ अवश्य होगा, वो बात पे पूरा भरोसा रखें। बस दोस्तों, आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।